एक चीज मुझे ये बता दीजिए, जो आरोप आपको हुए, आपने आपने सारे सारी चीजों का तो जवाब दिया, चार नियम के बारे में कहा जाता, जिसकी वजह मुख्य सचिव ने भी जवाब मांगा था आपकी सरकार से, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010, इन सबका उल्लंघन हुआ था कि नहीं हुआ सर? अब देखिए अर्पिता जी, ये पता क्या, ये वो लड़ाई है जो एलजी बनाम चुनी हुई दिल्ली सरकार की लंबी लड़ाई है, जिसमें वो हर चीज को कहते हैं कि हर चीज एलजी के पास भेजी जाए। हुआ कि नहीं हुआ, मैं दिल्ली ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कैबिनेट के समक्ष भी ये प्रस्ताव नहीं रखा गया, तो जो प्रोसेस मामला इतना है, चलिए पहले अभी आपने आंकड़ों में गिना दिया सर, आप ये भी नहीं बता पाए कि कितना प्रॉफिट हुआ आपने गिना, वो ये पूछ रहे थे मनोज जी की जो प्रॉफिट हुआ वो पैसे कहाँ गए सर, वो पैसे कहाँ गए, वो ये पूछ रहे थे। समय दो, एक एक सवाल पूछो, एक एक का जवाब, आपको मैंने समय दिया, लेकिन आप पॉइंटेड चीजें नहीं बोल रहे ना, आप पॉइंट पे नहीं बता रहे, आप इधर उधर इतना घुमा रहे हैं सर, समय पूरा निकला नहीं, बताइए ना कहाँ घुमाया मैंने, मैंने आपको पूरी पॉलिसी के बारे में बताया, मैंने सिंपल सी चीज पूछी आपसे, ये जो आप चार नियम में बता रहे हैं जिसका रिपोर्ट में जिक्र है सर, उसको नियम टूटे हैं कि नहीं टूटे ये बताइए सर। हाँ नहीं टूटे, बिल्कुल नहीं टूटे, कैबिनेट के पास गया था ये प्रस्ताव, कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव गया, बिल्कुल नहीं टूटे, और ये नियम का ये जो इंटरप्रिटेशन है इसके लिए क्या इकट्ठी जगह छापे मारे जाते हैं? कैबिनेट के समक्ष रखा था ये प्रस्ताव, क्या क्या कह रहे हैं, कैबिनेट के पास रखा था ये प्रस्ताव? मैडम ये प्रस्ताव जो है छोटे छोटी चीजें, ये तो एक्साइज मिनिस्टर आज से नहीं 20 सालों से दिल्ली में और हर राज्यों में छोटे छोटे फैसले हर जगह करता है, मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, हाँ मतलब मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि रेलवे बोर्ड ने जो जो लाइसेंस माफ किया क्या, उन्होंने बोर्ड में रखा, उसमें रखा। मनोज जी देखिए, अब एक सवाल तो आपसे भी उठता है भाई, अगर देखिए ईडी के एक्शन की बात कर लें, सीबीआई के एक्शन की बात कर लें, विपक्ष कहता है हर बार आप इनके एक्शन करा देते हैं, आंकड़े भी तो अब झुटलाए नहीं जा सकते, 8 साल में 5 गुना ईडी के एक्शन बढ़े हैं, ईडी के एक्शन से पहली बार 1 साल के भीतर 3 राज्यों के 4 प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है, तो सर आप भी तो शायद डरा ही रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आरोप बड़ा लगता है सर, आए दिन ईडी और सीबीआई की छापेमारी दिखती रहती है हर जगह। हम बिल्कुल न डराते हैं, न डराने में विश्वास करते हैं, और न तो किसी से डरते हैं। ये आज दो बातें अभी मैं यहां से चर्चा से निकल करके तुरंत एक पेपर आज तक को भेज रहा हूं, जी इन्होंने कहा है कि 18 साल की उम्र नहीं की गई है, इन्होंने 21 साल की उम्र को 18 साल नहीं किया है, ऐसा सौरभ जी ने बताया। इन्होंने कहा कि 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट नहीं दी गई, 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट नहीं दी गई, इन्होंने आज कंफर्म किया। तो ठीक है, चलिए ये दो मुद्दे बहुत ही संगीन है। उसके बाद जो ये बात आज अभी बोल गए सौरभ जी, ये कह रहे कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे कैबिनेट में ले जाने के लिए नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सौरभ जी आप एक विधायक होके आपने आप इन मुद्दों को जहां पर 10,000 करोड़ का घोटाला हो वहां पे आप इनको उन मुद्दों को छोटा कहते हैं, तो आपकी जो मानसिकता है, जो आपकी बात है, इसके आधार पे आप तय करके आए हैं कि यहां आपको सब झूठ बोलना है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी वो झूठ की मशीन बन गए हैं, अब आप इसी तरह की बातें करेंगे तो न तो ये बहस का टाइम, आज तक का टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है। इन तीनों बिंदुओं पे मैं अभी 2 घंटे के अंदर मैं आज तक को अपने पेपर्स भेजूंगा। इन्होंने 18 साल भी उम्र किया है, इन्होंने रात के 3 बजे तक भी शुरू किया है, और इन्होंने ये सारी पॉलिसी 1 साल 2 महीने तक चलाई है। ठीक है मनोज जी, जिसके आधार पर हम अलग अलग राज्यों में वहां भी 18 की उम्र है, उन्होंने गिना दिया जहां पर बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, वहां सर आप उस पर क्या कहेंगे, वो बातें सही है या गलत है जो आरोप सरासर झूठ बोल रहे हैं? वो भी सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप रिसर्च कर लीजिए, वो तो गूगल पे है, झूठ बोल रहे हैं। ये लिखा आपके सारे राज्यों की लिस्ट लिखी हुई है जहाँ 18 साल है, थोड़ी देर में दिल्ली में 21 है, हाँ गूगल पे, हाँ ये आपके मोबाइल में लिखा होगा। अरे गूगल पे है भाई, गूगल पे, इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस घंटे में आज तक को सारी चीजें भेज, हाँ इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ भाई। अरे भाई गूगल तो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप रहा, इंडियन एक्सप्रेस में छपे होने से न्यूज नहीं होती है, आप कोई कागज दिखाना चाहिए सौरभ जी। नहीं नहीं हम शासनादेश आपको भेजते हैं, अरे आप अखबारों के न्यूज पे जाते हैं, अखबार के न्यूज गलत भी हो सकते हैं, अखबार के न्यूज फेक भी छपवाए जा सकते हैं। आपने सुनिए, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको बड़े ध्यान से सुनता हूं, हिमाचल प्रदेश कर्नाटक पुडुचेरी में 18 साल उम्र है,
अब गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, 18 साल उम्र है, इसके अंदर लिखा हुआ कि दिल्ली के अंदर, झारखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 21 साल है, लिखा हुआ है इसके अंदर साफ साफ। अब आप झूठ बोले जा रहे हैं कि दिल्ली में 18 हो गई, अपने राज्यों का बता नहीं रहे, सिर्फ एक तरफा झूठ बोलने से क्या लगता है कि लोग आपकी बात मान लेंगे।